आई वॉज जब मैं आ रहा था ना इधर दिल्ली से, मैं अपना आया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट टाइम से पहुंच गया था, ऐसा नहीं था थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि जो दिल्ली एयरपोर्ट के वो जो दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशन है ना, वो जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, वहाँ पे भी एयर इंडिया का काउंटर है, चेक इन कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ी सी, जब मैं पहुँचा तो थोड़ा खाली था, लेकिन जब तक मैंने पेपर वेपर निकाले लाइन लग गई थी। लाइन लग गई, मैं लाइन में लगा, वहाँ तक पहुँचा, उसने कहा कि 11 बजे की फ़्लाइट है, अभी नहीं होगा चेक इन, वहाँ एयरपोर्ट से करना। फिर मैं एयरपोर्ट पहुँचा, क्योंकि अब हर चीज़ में ना 15 मिनट लग ही जाते हैं, 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। तो अब मैं एयरपोर्ट पहुँच गया, एयरपोर्ट तो जल्दी पहुँच गया क्योंकि जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है वो सुपर फास्ट है, 25 मिनट में उसने पहुँचा दिया। अब मैं एयरपोर्ट पहुँच तो गया, वहाँ पे उसने कहा जी आपके जो आपने वीज़ा है, वीज़ा दिखाओ। वो जो एयरपोर्ट का आदमी था, वहाँ उसने वीज़ा चेक किया, उसने देखा एक जगह पे ना लखनऊ उत्तर प्रदेश ऊपर लिखा था, नीचे लखनऊ लिखा था, तो उसने कहा इसको उल्टा कर दो क्योंकि पासपोर्ट में आपके उल्टा लिखा हुआ है, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ को, प्लेस ऑफ बर्थ पे ना मैंने लिखा था लखनऊ उत्तर प्रदेश और मेरे पासपोर्ट पे खाली लखनऊ लिखा था, और प्लेस ऑफ इशू पे ऐसे करके उल्टा था। तो मैंने चेंज कर दी, मैंने जैसे उसने बताया कि यार तो चेंज कर दे वरना देखो वहाँ पे दिक्कत आएगी, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं चेंज कर देता हूँ। और वाकई यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है हांगकॉन्ग में, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, वो कर देंगे, कह देंगे कि नहीं भर के लाओ दोबारा करो, ये करो वो करो, कर देंगे गड़बड़ी निकाल के, और फिर आप और अच्छा खासा फाइन भी है। फिर उसने देख के ना, फिर मैंने अलाइज के अंदर ना हरजीत सिंह लिख दिया, कहता है अलाइज को कॉलम को छोड़ना था लेकिन कोई बात नहीं मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि पासपोर्ट में लिखा हुआ है फादर्स नेम ना, तो उसमें फिर वो प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जी एयरपोर्ट पे जब मैं हांगकांग गए, अब चेक टिकट मिल गई, इमिग्रेशन हो गया, यहाँ हांगकांग पहुँच गए, हांगकांग पहुँचे मैं, उसने मुझे कहा था यार प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना, और जैसे ही मैं प्रिंट आउट निकलवाने पहुँचा वहाँ पे देखा जी कि वो सुप्रीत का फ़ोन आ गया। फ़ोन जैसे ही आया वो तो जी हर 5 मिनट पे फ़ोन आ रहा था, मैं काटे जा रहा था क्योंकि मैं फॉर्म भर रहा था, फिर फ़ोन आया, फ़ोन उठाया मैं भूल गया प्रिंट आउट करवाना दिल्ली में, और बस फिर मैं जाके लाइन में लग गया। अब मुझे याद आया, आधी लाइन में पहुँच गया इमिग्रेशन की, तब मुझे याद आया कि यार मैंने प्रिंट आउट तो निकलवाया ही नहीं। लेकिन फिर मेरे एकदम से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ कहेंगे चूचू करेंगे तो फिर मैं जाके निकलवा लूँगा। मैं जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर के आगे पहुँचा, उसने मेरे से पूछा ही नहीं, कोई कागज़ ही नहीं पूछा, वीज़ा वीज़ा देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। उसने कहा ठीक है जा रहे हो हांगकांग, जा रहे हो, जा रहा हूँ, और हांगकांग भी नहीं बोला उसने, उसने बोला चाइना जा रहे हो, मैं कहा हाँ चाइना जा रहा हूँ। उसने कहा और ऐसा मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा मैं हांगकांग जाऊँगा फिर चाइना जाऊँगा, ऐसे करके बोल दिया, और उसने कोई पेपर नहीं पूछा कुछ नहीं, जाओ। और यहाँ पर जब भी पहुँचा मैंने वो डिजिटल वाला जो मैंने डाउनलोड कर रखा था जो का वीज़ा का प्री रजिस्ट्रेशन हांगकांग का, और वो मैंने उसको दिखाया तो कहता है कागज़ लेके आओ। मैंने कहा कागज़ कहाँ से लेके आऊँ, कहता है कागज़ प्रिंट आउट करवा के लाओ मुझे, मैं कागज़ देखूँगा। मैंने कहा अच्छा, मैं प्रिंट आउट करवाने गया जी, यहाँ पर जी एयर इंडिया का कोई काउंटर ही नहीं है, और जो काउंटर है वहाँ पे फ़ोन मिलाओ, खाली फ़ोन मिला सकते हो। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन मिलाने की कोशिश की, फ़ोन किसी ने उठाया ही नहीं। फिर उनका जो टूरिस्ट वाला जो काउंटर था वहाँ पे जाके मैंने उनसे कहा मेरे को फोटोकॉपी चाहिए, कहते हैं जी ऐसा है ये लो पर्ची यहाँ पे ईमेल कर दो और $190 लगेंगे तुम्हारा एक प्रिंट आउट मिलेगा। अब $190 कितना हो गया, एक फ़ोटोकॉपी का जी उन्होंने मेरे से 2300 रुपये चार्ज लिया इंडियन रुपीज़ में, और 2300 रुपये मतलब वहाँ जी ऐसा था कि मैंने ईमेल कर दिया, कोई आदमी आया टाई वाई पहन के खड़ा था, ये लो जी आपकी फ़ोटोकॉपी, लाओ $190। ओए होए मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूँ,
अब हॉन्गकॉन्ग में उतरे पहले ही तो ही मैं तो सोच के आया था मैं यहाँ पे पैसे बचा के शॉपिंग करूँगा और इतनी फ़ायदा होगा, यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो एक एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के देखते हैं। बाहर निकला, 1.5 घंटा अंदर लग गया था, बाहर निकला। फिर मैंने बस ली, बस लेके जी मैं पहुँचा नेथन रोड। उसने पूरा मुझे ना जो होटल वाला था उसने पूरा बना के दिया था कि नेथन रोड पे तुम्हें ये ए वाली 21 बस है ना, इसी पे बैठ जाना, नेथन रोड आ जाना, वहाँ पे उतर के वहाँ पे एक पार्क पड़ेगा, एक मॉस पड़ेगी। मैंने पार्क मॉस नहीं देखी, मैं नेथन रोड देख के बस से उतर गया। मैंने कहा जी नेथन रोड आ गई, और नेथन रोड में मेरे भाई 5 मेट्रो स्टेशन, वो भी एक ही लाइन पे सीधे, और मैं सबसे पहले नेथन रोड देख के उतर गया था। ओ भैया, चलते 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 ना मेरे पास मेरा इंटरनेट काम कर रहा। अब एक और मुसीबत हुई वहाँ पे, मैंने क्या किया, मैं मेरा ना जियो का नेट डेटा काम कर रहा था, 1.5-2 घंटे चलता रहा, 2 घंटे के अंदर जियो ने तो मेरा जी डेटा ही खा लिया सारा। मेरा 700 MB डेटा का यूज़ कर, मतलब 1 GB शायद डेटा उन्होंने दिया है रोमिंग का, और भैया उन्होंने तो 700 रुपये ही यूज़ कर लिए उसके अंदर। जो मेरा उन्होंने डेटा मेरा मैंने यूज़ किया ना, उसमें मेरा 700 रुपये जब यूज़ हो गया, उसने कहा जी 300 MB बाकी है, अब इसी को यूज़ करना है। तो मेरा मूड और ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूँ, डेटा भी ख़त्म हो रहा है और रोमिंग भी ख़त्म हो रही है, इंटरनेट भी नहीं काम कर रहा। मैंने वहाँ पे सिम ख़रीदा $33 का। अब जो जिस लड़की से ख़रीदा 7-Eleven में, ना उसे एक्टिवेट करना आता और ना मुझे एक्टिवेट करना आता। मैंने भी एक्टिवेट करने की कोशिश की और एक्टिवेट हुआ ही नहीं। मैंने कहा चलो जब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अब मूड तो ख़राब ही था, मूड ख़राब में आदमी क्या करेगा। देखो रात को मैं सोया नहीं हांगकांग से, हांगकांग का भी इंसिडेंट ये है, वो क्या नाम है, दिल्ली वाली जो फ्लाइट उड़ी थी एयर इंडिया की, मेरे बगल की सीट खाली थी। मैंने सोचा रात को सो जाऊंगा, एक लड़की ने देखा कि इसकी सीट खाली है, मैं अपनी बहन को यहाँ बुला लेती हूँ। और जी उसने कहा कि मैं अपनी बहन को बिठा लूँ यहाँ पर। मैंने कहा नहीं मैंने सोना है। कहती है बहन है मेरी। मैंने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं। फिर तो जी रात भर ठंड और ना मुझे नींद आई, हर थोड़े थोड़े देर पर 15-20 मिनट पर वहाँ की एयर होस्टेस आती रही, कभी कहे कॉफ़ी ले लो, कभी कहे चाय ले लो, कभी कहे जूस ले लो, कभी कहे दारू ले लो, कभी कहे खाना ले लो, कुछ ना कुछ पूछती रही। क्योंकि 4.5 घंटे की फ्लाइट थी, उसने कहा ना हम सोने देंगे इनको, क्योंकि सो गए तो और मुसीबत, और मैं नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि ठंड भी थी और कंबल वंबल लेके हम लोग पड़े रहे। तो फिर उसके बाद जब सुबह, रात भर सोए नहीं, इमिग्रेशन में उसने मेरे से ले लिए 2300 रुपये एक फ़ोटो कापी के। फिर मेरा डेटा खा गया जियो सारा, 700 रुपये उसने वो उड़ा दिए रोमिंग के। और उसके बाद फिर मेरा जो $33 का मैंने सिम लिया वो भी सारा एक्टिवेट नहीं। अब मेरा मूड पूरी तरह से ख़राब, मैं जी टैंचियाँ लेके किसी तरीके से पहुँचा अपने हॉस्टल, पहुँच तो गया। और मेरे हॉस्टल के बिल्कुल सामने मेट्रो स्टेशन, शिम शैम सुई का मेट्रो स्टेशन मेरे हॉस्टल के सामने। मैंने कहा साले पहले बताते। मेरे को किसी ने कहा था यार मेट्रो में बैठ जा, उतर जाना मेट्रो से तो शिम शैम सुई में वहीं पर है। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने सोचा नेथन रोड है जी, नेथन रोड तो मतलब एक ही रोड है, मुझे क्या मालूम नेथन रोड के अंदर 5 मेट्रो स्टेशन एक सीध लाइन में है। ओ भैया, जब मैं हॉस्टल पहुंचा पहले सबसे पहला काम किया, और बेवकूफ़ी मैं जब दिल्ली पहुंचा था, दिल्ली पहुंच के मैंने सारे अपने कपड़े जो थे एक कैची में रखे थे, वो कपड़े वाला जो बैग था वो तो मैंने स्टेशन पे लॉकर रूम में दे दिया। अब मैं जब घर पहुंचा मुझे पता लगा कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है, अंडरवियर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने किसी तरीके से नहा धो के तैयार होके बाकी कपड़े तो पहन लिए, अंडरवियर भी उल्टी करके पहन ली, टी शर्ट मैंने चेंज कर ली, टी शर्ट मैंने छवि से ले ली, और उसके बाद मैं टी शर्ट चेंज करके अपना पूरा दिल्ली घूमा, वापस आया अपने कपड़े वापस वही गंदे वाले पहने, और उसके बाद फिर मैं एयरपोर्ट के लिए भागा। अब 2 दिन के कपड़े
दो दिन के कपड़े पहने हुए, और उसके बाद फिर मैं अपने से हॉस्टल पहुँच के सबसे पहले काम मैंने किया, मैंने कहा नहाऊं दूँ, कपड़े चेंज करूँ। कपड़े चेंज किए भाई, कपड़े चेंज करने के बाद फिर जो मुझे आराम मिला है मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं सो गया हूँ, आधा घंटा सोया हूँ, जैकी ने मुझे फ़ोन पे उठाया, फ़ोन किया तो मैं उठा, और फिर बजे थे 4:10। जैकी ने कहा यार मैंने कहा जैकी को बताया, मैंने कहा मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, वाईफाई पे हूँ, और हॉस्टल से निकला तो फिर मेरा इंटरनेट काम नहीं करेगा, अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा, तो मेरा ना इंटरनेट एक्टिवेट कर दे। अब मैंने बेवकूफ़ी क्या की, मैं इंटरनेट एक्टिवेट कराने के लिए जो मतलब इंटरनेट वो जो सिम कार्ड का जो कार्ड होता है ना, वो कार्ड मैं उसके यहाँ ही भूल गया या गिरा आया कहीं, भूल गया वहीं पर लड़की के यहाँ, वो जो जहाँ से 7-Eleven से लिया था, और वो जब अब वो जो मेरी हॉस्टल की ओनर थी वो कहे मुझे कार्ड दो तो मैं तुम्हारा एक्टिवेट कर दूँ, कार्ड मेरे पास था ही नहीं, और अब कार्ड ही नहीं था, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान, कोई बात नहीं। फिर जैकी से मैंने कहा जैकी यार कुछ कर कि मैं यहाँ पे इंटरनेट तो ऑन हो, कहता है ठीक है कोई बात नहीं। वो मुझे अपने दोस्त के यहाँ ले गया, वहाँ पे उसने मुझे एक नया सिम कार्ड लाया एक्टिवेट करा के, वहाँ पे उसने जब एक्टिवेट कर दिया, उसने वो ऐसा सिम कार्ड दिया कि मेरा चाइना में भी रोमिंग में काम कर जाएगा, चाइना में मुझे 10 GB रोमिंग मिल जाएगा और वैसे भी काम कर जाएगा, मतलब हांगकांग में तो अनलिमिटेड था। कहने लगा कि ये ले लो ये ज़्यादा बढ़िया है, मैंने कहा ठीक है तुमने ये दे दिया। अब मेरा सिम कार्ड का अब मेरा नेट एक्टिवेट हो गया था, अब मैं मतलब मैप से देख के समझ सकता था कहाँ जाना है, लगा सकता था। फिर उसके बाद वो उस जैकी मुझे अपने ऑफिस ले गया, वहाँ पे उसने मुझे कहा कि अभी मैं ऑफिस से निकल के मैं तेरे को घुमाने भी ले जाऊँगा और खाना भी खिलाऊँगा। फिर जैकी ने मुझे घुमाया, हम लोग फेरी पे गए, फेरी के मतलब एक फेरी ऐसी होती है जैसे एंट्री करने का तो $150 या $100 या इतने की होती है घंटा डेढ़ की फेरी, और वो जहाँ पे ले गया वो मतलब इनकी स्टार फेरी करके थी या जो भी था इनका खुद का हांगकांग का, जो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं $5 में, वो वहाँ से हम लोग ने $5 की टिकट लेके हम लोग पहुँच गए दूसरी साइड। और जब दूसरी साइड पहुँचे तो भैया वहाँ पर हांगकांग आइलैंड में हम लोग ने घूमे, फिर उसके बाद उधर घूम के फिर वापस आए, फिर खाना खाया एक बहुत अच्छे, उसने उसने चाय उसने फ्राइड राइस विद एग और उनकी जो सॉस थी वो भी बहुत अच्छी थी वो खाया। मैंने पोर्क विद जो उनके रैमन होते हैं रैमन मतलब चौमन वो खाए, फिर मतलब खा पी के अब स्वीट डिश भी खा ली, अब पेट भर गया क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। अच्छा भूख भी नहीं लग रही थी, मतलब एक तो डर लग रहा था कि इतना दूर जा रहा हूँ अकेले और फिर भूख नहीं लग रही, और उसके बाद फिर तब भी खा लिया, खा के आराम से आ गया और रात को सो गया। फिर सुबह 9 बजे उठा, फिर अगला दिन मेरा शुरू हुआ। अगला दिन मुझे सब पता था मुझे कहाँ जाना है, मुझे पीक ट्रैम में जाना है या मुझे मेट्रो कैसे, उसने जैकी ने मुझे सिखा दिया था कि मेट्रो में तू कार्ड मत लेना, मैं तेरे को सिखा देता हूँ कि तू कैसे आराम से बस वो कर लेगा, तू आराम से कैसे पेमेंट करके कैश पेमेंट करके तू खरीद लेगा। और उसने मुझे कैश पेमेंट करके ख़रीदना सिखा लिया मशीनों से, और वहाँ से फिर उसके बाद फिर मैंने कार्ड नहीं लिया उनका, ले लेते तो अच्छा रहता, ऑक्टोपस कार्ड लेने से बहुत आराम हो जाता है बसों में और सब जगह मैं ऑक्टोपस कार्ड चलता है, इवन 7-Eleven में भी हर जगह इनका ऑक्टोपस कार्ड चलता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लिया नहीं था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, और उसके बावजूद मैं बिल्कुल कंफर्टेबली अगला दिन मेरा पूरा दिन मैंने सारी साइट सीन करी, यहाँ हांगकांग घूमा और खूब सारा जगह विजिट्स किए, और मतलब फिर मैं कंफर्टेबल हो गया, अगले दिन मैं कंफर्टेबल था। अब कल रात की बात थी, कल रात को मैं एक तो मैं पीक ट्रैम में गया था, फिर मैंने सिटी टूर किया था स्टैनले का सिटी टूर, उसके भी सारे वीडियोस मेरे बने हुए हैं, और उसमें उन्होंने मुझे पूरा हांगकांग का
जो जो हुआ, जो उसकी हिस्ट्रीज थी वो सारी बताई। इंग्लिश में मैंने चूज़ किया था तो वो वाला बताया, तो मैं उसको मैंने दो घंटे लगे मुझे उसका टूर करने में। फिर मैं शाम को कावलून अपनी जो आइलैंड पे वापस आया, और आइलैंड पे वापस आके वही उन्होंने $5 वाली टिकट जो थी ना वो फ्री में दे दी थी उसके जो टूर के साथ। टूर था इनका $400 का, लेकिन वो अच्छा टूर था। फिर वापस आया कोलून में, कोशिश करी शॉपिंग करने की। शॉपिंग में सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स था वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो था वो सेम रेट का था जो इंडिया में मिलता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस था, 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस था, और कैश लोगे तो थोड़ा सा 1-2% और कम हो जाएगा ऐसा करके था। तो मैंने वो सारा फिर ड्रॉप कर दिया आइडिया शॉपिंग का। लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करी, मैंने जो गुड़िया का सैमसंग का फ़ोन था जो जिसके पास सबसे बेस्ट रेट्स थे, मुझे पता था कि ये आदमी है। एक बिल्डिंग थी हॉलीवुड प्लाजा, उस हॉलीवुड प्लाजा में 13वें फ्लोर पर उसकी शॉप थी। मुझे मालूम था वो आदमी सबसे बेस्ट रेट देता है, उसके यहाँ गया था मैं इसका फ़ोन लेने। फिर गार्मिन की का वो देखा उसके यहाँ, सब कुछ मतलब अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के। अब गार्मिन इंडिया के रेट पे नहीं था, गार्मिन तो इंडिया में बहुत महंगा, लेकिन उसके पास वैरायटी नहीं थी। गार्मिन के जो साइकिलिंग कंप्यूटर्स थे उसमें उसके पास वैरायटी नहीं थी, तो वैरायटी नहीं थी प्लस साथ में उसके पास पैकेज नहीं था। जैसे मेरे को कंप्लीट पैकेज चाहिए था तो वो नहीं था उसके पास, खाली एक ही 830 या 840 गार्मिन था, खाली 830 शायद था। तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने कहा कि अब नहीं लूँगा। फिर मैंने और कोशिश करी गार्मिन देखने की, नहीं मिला कहीं। मैंने उसका स्टोर खोलने की कोशिश करी, वो भी नहीं मिला। और फिर उसके बाद MI के वहाँ गया वाई के स्टैप्स लेने, वहाँ पे भी कंफ्यूजन हो गया कि वो बोले कि MI के स्ट्रैप्स जो हैं वो जी अगर MI का स्ट्रैप चाहिए तो MI में दो घड़ियाँ आती हैं, रेडमी की अलग होती है उसकी अलग होती है Xiaomi की। कहते तुम्हारे वहाँ की लड़की बोली जो तुम्हारी घड़ी है वो जी उसमें Xiaomi के लगेंगे। और वो मुझे मतलब समझ में आया था कि हम लोग की घड़ी जो है वो Xiaomi वाली नहीं होगी, क्योंकि वो हम लोग के इंडिया में क्या करते हैं ना, ये लोग सस्ता सामान ही बेचने की कोशिश करते हैं, और Xiaomi इनका महंगा वाला वो है। तो मुझे आइडिया लग गया था कि हमारे को Redmi नहीं लगेगी, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, इतना कौन सा 200-100 रुपये के पीछे आदमी गलत सामान खरीद ले, ये सोच के फिर मैं MI से निकला। फिर मैं DJI का स्टोर पे गया, DJI स्टोर के वाले के पास भी जो मतलब जैसे मुझे उसका हैंडल भी चाहिए था, कैमरे के साथ हैंडल चाहिए था, वो हैंडल भी उसके पास मतलब जो वो वाला हैंडल था जो मुझे चाहिए था, जिसमें कि रिकॉर्डिंग का बटन हो, जिसमें कि चार्जिंग की फैसिलिटी हो, वो हैंडल उसके पास स्टॉक में नहीं था। फिर मैंने और माइक भी मतलब मैं लेना गया था, मैंने सोचा कि मैं माइक ले लूँगा और इसका ये ले लूँगा, लेकिन वो भी उसके पास क्योंकि वो हैंडल नहीं था तो मैंने कहा एक ही जगह से ले लेंगे। और रेट भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, रेट तो फ़र्क था इंडिया से, तो रेट फ़र्क था। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं आगे चाइना जा ही रहा हूँ, मैं चाइना से परचेज़ कर लूँगा। यहाँ का जो परचेज़ करने का रीज़न मेरा जो था, मैंने सोचा कि मैं परचेज़ करूँगा, और वो रीज़न ये था कि क्योंकि मेरे वीज़ा के कार्ड्स काम कर रहे थे और चाइना में मेरे वीज़ा के कार्ड ना काम करते, तो मैंने सोचा था बैंक जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे या तो वो क्योंकि आगे मेरा काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने सोचा था ये महंगे महंगे सामान सारे मैं यहीं से खरीद लूँगा। लेकिन लक बाय चांस कि मैं कुछ मतलब मैं सोच ही नहीं पाया कि मेरे को यहाँ से ले लेना चाहिए। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं चाइना में भी थोड़ा मेरे पास अच्छे से टाइम होगा, यहाँ मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, तो इसलिए जल्दीबाजी में मैं चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाया। और मैं वापस अपने हॉस्टल 9:30 बजे पहुँच गया। आज सुबह मैंने चेक किया कि मेरा 12:15 की फ़्लाइट है, मैं जल्दी सो के उठ गया था, रात को चेक कर लिया था, रात को मैंने 3-4 बजे 2 बजे उठ के चेक कर लिया था मेरी फ़्लाइट कितने बजे की है। तो फिर मैं सुबह जल्दी उठ गया,
सवा छः बजे उठ गया था और 7:15 बजे तक मुझे निकलना था। मैं 7:45 बजे तक मुझे बस मिल गई और अब मैं 8:45 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा और 1 घंटा लगता है यहाँ पर 8:21 बस से एयरपोर्ट पहुंचने में। और यहाँ से फिर मैं आगे अपनी जो भी मुझे टाइम मिलेगा इमिग्रेशन ये वो करा के मैं शंघाई निकल जाऊंगा। अब शंघाई में जाके क्योंकि शंघाई मतलब हांगकांग और तो चाइना ही है, चाइना की ही टेरिटरी है, लेकिन शंघाई वाकई मतलब फुल फ्लैश चाइना है। अभी सामने आप देख सकते हो वहाँ पे एयरपोर्ट है, अब मुझे एयरपोर्ट दिखने लग गया, एक बहुत बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है और वो ब्रिज जो है वो कनेक्ट कर रहा है। इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने बहुत सारे आइलैंड्स को बड़ा कर दिया है, जैसे इवन हांगकांग में भी कई जगह पे इन्होंने एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया है एक जगह पर, वहाँ एग्जीबिशन सेंटर को भी उन्होंने पूरा समुंदर के ऊपर ही बनाया, समुंदर के अंदर ही सारा डंपिंग करके ना और फिर उसके बाद उसको डेवलप किया इन्होंने। ये एयरपोर्ट वाला जो ये पूरा बड़ा इनका एयरपोर्ट है ये एक दूसरे आइलैंड के ऊपर है, हांगकांग से हांगकांग आइलैंड से अलग है, हांगकांग जो सिटी है उससे अलग है। तो वो आइलैंड को भी इन्होंने पूरा डेवलप किया है, पूरा बनाया है, पूरा मतलब एक्सपेंड करते करते जा रहे हैं और बड़ा भी करते जा रहे हैं और काफ़ी बड़ा आइलैंड पूरा आइलैंड ही इन्होंने एयरपोर्ट के लिए ले लिया है। आप देख सकते हो ये सारे आइलैंड्स ही हैं, मतलब ऐसे आइलैंड भी हैं जहाँ पे मतलब रोड्स नहीं हैं, जहाँ पे साइकिल से कम्यूट करना पड़ता है, ऐसे आइलैंड यहाँ पे इनके पास हाइकिंग के लिए बहुत सारे ट्रेल्स हैं, यहाँ पे इनके पास पहाड़ियाँ खूब हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ी आइलैंड के ऊपर पहाड़, मतलब घूमने वाली जगह है, महंगी है लेकिन मज़ेदार जगह है, यहाँ पे फैमिली के साथ खूब मस्ती करने वाली है, लेकिन मतलब शॉपिंग करने वाली नहीं है, ये तो शॉपिंग करने वाली सिंगापुर में भी नहीं थी, अब मौका मिला है शॉपिंग का तो कहते हैं जी शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह तो चाइना ही है, अब चाइना जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कितनी शॉपिंग हम कर सकते हैं, और जा ही रहे हैं सामान खरीदने तो शॉपिंग तो करेंगे ही करेंगे। आप लोगों को भी अगली बार जब भी मैं प्लान करूँ आप लोग भी अपना प्लान बनाओ, हांगकांग वाया हांगकांग एक बार हांगकांग को भी विज़िट करो एक बार, क्या मैं कहूँगा आते रहो जिससे कि आपको कंफर्टेबल लगे नई जगह जाने में।